हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया, और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ।